एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बारे में इससे पहले हम लोग स्ट्रेस फिजियोलॉजी और काफी सारे उसके टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं आज हम लोग ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये होता क्या है ये एक तरीके का बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जो कि प्लांट्स की हेल्प करता है एक्लाइमेशन में कब जब प्लांट्स वाटर डेफिशियट सॉइल में या फिर सेलाइन सॉइल में या फिर ड्राई कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं यानी जब भी प्लांट्स ऐसे सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी है या फिर सेलिडिटी है सो so उस कंडीशन में प्लांट्स को एक्लाइमेट करने के लिए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करना पड़ता है अब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होता क्या है इसे भी हम डिफाइन कर लेते हैं सो इट कैन बी डिफाइंड एज एक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ कंपेटेबल सोल्यूट विद इन द प्लांट टिश्यू इन रिस्पोंडिंग टू लोवरिंग ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल सो जब भी प्लांट ऐसी सिचुएशन में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर सैलिनिटी या फिर वाटर डेफिशिएंसी की सिचुएशन है सो so उस कंडीशन में क्या होगा सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है अब सॉइल का वाटर पोटेंशियल अगर कम हो गया है तो जैसा कि आपको वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट पता है कि वाटर पोटेंशियल हमेशा मूवमेंट जो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है सो so, अगर यहाँ पर सॉयल का वाटर पोटेंशियल कम हो गया है प्लांट्स के टिश्यूज के कंपैरिजन में तो जो प्लांट्स के टिश्यूज में वाटर अवेलेबल है उसका मूवमेंट सॉइल की तरफ ना होने लगे सो so, उसी को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यहाँ पर प्लांट्स में होती है अब ये किस तरीके से होती है उसको भी हम देख लेते हैं सो so, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है इस डायग्राम से आपको ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा सपोज कर लीजिए ये कोई प्लांट है और ये ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहा है जहाँ पर या तो वाटर डेफिशिएंसी की सिचुएशन है या फिर सेलिनिटी की सिचुएशन है अब ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या जो सॉइल का वाटर पोटेंशियल है वो कम हो गया है और वाटर पोटेंशियल का हमेशा ध्यान रखिएगा वाटर पोटेंशियल हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूवमेंट होता है वाटर का जब भी सॉइल का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है अब सॉइल का वाटर पोटेंशियल अगर कम हो गया प्लांट के टिश्यूज के कंपैरिजन में सो जो वाटर है वो बाहर की तरफ ना मूव करे इसलिए प्लांट्स में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है और प्लांट्स अपने टिश्यूज़ में कुछ तरीके के ऑर्गेनिक सोल्यूट्स या ऑस्मोलाइट्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट के टिश्यूज हैं उनका वाटर पोटेंशियल सॉइल के कंपेरिजन में कम हो जाता है और जब प्लांट के टिश्यूज का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल कम है और सॉइल का वाटर पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है तो जो वाटर है वो सॉइल से प्लांट की तरफ मूव करेगा यानी बेसिकली यहाँ पर प्लांट एक स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो अपना वाटर पोटेंशियल सॉइल के वाटर पोटेंशियल से भी कम कर रहे हैं ताकि वाटर प्लांट्स की तरफ मूव कर सके सो so, इसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट रिजल्ट्स इन लोअर द वाटर पोटेंशियल देन द साइल थर्स अलाउिंग वाटर टू मूव फ्रॉम द साइल टू द प्लांट डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियट वही चीज़ है जो अभी हमने समझी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बेसिकली हेल्प करता है टू मेंटेन द टर्गर ओवर फ्लक्चुएटिंग सॉइल वाटर पोटेंशियल इसके अलावा मेंटेन स्टोमेटल कंडक्टेंस इंक्रीजेज द डिहाइड्रेशन टॉलरेंस ये प्लांट्स की डिहाइड्रेशन टॉलरेंस को बढ़ाता है यानी प्लांट्स जो है वाटर डेफिशियंसी के सिचुएशन में किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं उस चीज़ को ये इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इंक्रीजेज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल वाटर प्लांट क्या करता है अपने सेल्स और टिश्यूज में ऑस्मोलाइड्स को एक्यूमलेट कर लेता है जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है और जब वाटर पोटेंशियल प्लांट्स का लो हो जाएगा सॉइल के कंपेरिजन में तो वाटर सॉइल से प्लांट्स की तरफ मूव करेगा सो so, इस तरीके से ये वाटर एक्सट्रैक्शन को इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मोलाइट्स की यहां पर क्या है अ वाइड ऑफ ऑर्गेनिक इन द द प्लांट टिश्यूज टू टू कंट्रीब्यूट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एंड दीज आर नोन एज कम्पैटेबल सोल्यूट और ऑस्मोलाइट्स यानी कि जो ऑर्गेनिक सोल्यूट प्लांट के टिश्यूज में एक्ूमुलेट हो जाते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए उन्हें हम ऑस्मोलाइट्स कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल है, प्रोलीन प्रोलिन एक एमिनो एसिड है जो कि ग्लूटामिन से डिराइव हुआ है और ज्यादातर प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा यह हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को भी करने में हेल्प करता है इस तरीके से ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्ट्रेस में भी सहायक है स्ट्रेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहां पर है ग्लाइसिन बीटेन एलनीन बीटेन और प्रोलीन बीटेन ये ऑस्मो प्रोटेक्टेंट की तरह वर्क करते हैं यानी कि इन कंपाउंड्स का जो एक्मुलेशन है टिश्यूज में जब ये सेल्स में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये वाटर डिफिशियंसी से लड़ने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं सो so, इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स इसके अलावा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स जैसे कि मैनीटॉल सॉर्बिटोल और पाइनीटॉल ये भी ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स की तरह वर्क करते हैं प्लांट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो वाटर डिफिशियंसी की सिचुएशन में सर्वाइव कर सके सो ये बेसिकली था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का कंसेप्ट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर जरूर करिए थैंक यू सो मच